PSL में बीच मैदान पाकिस्तान के इन दो खिलाड़ियों के बीच हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। लाइव मैच में मारा मारी तक करते दिखे पाकिस्तान के ये दो खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। क्रिकेट के मैदान पर अक्सर खिलाड़ी अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं और एक दूसरे से हाथापाई तक कर लेते हैं। वैसे तो ये खेल जेंटलमैन गेम के नाम से जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कई बार मैदान पर इस खेल की छवि दागदार की है। सिर्फ विपक्षी खिलाड़ियों से ही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेटर अक्सर अपनी ही टीम के सदस्यों से भी भिड़ते हैं। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL के एक मुकाबले में देखने को मिला, जब तेज गेंदबाज वहाब रियाज और ओपनर अहमद शहजाद आपस में भिड़ गए थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 10 सेकंड के अंदर ऐसी नोकझोंक हुई कि वहाब रियाज ने अहमद शहजाद को धक्का तक मार दिया। अहमद शहजाद और वहाब रियाज के बीच PSL 2016 के एक मुकाबले में भिड़ंत हुई थी। शहजाद क्वेटा ग्लीडेटर की टीम का हिस्सा थे, वहीं वहाब पेशावर जालमी के खिलाड़ी थे। क्वेटा ग्लीडेटर बल्लेबाजी कर रही थी और पांचवें ओवर फेंकने आए वहाब रियाज की पहली ही गेंद पर अहमद शहजाद ने लंबा छक्का लगा दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर वहाब रियाज ने शहजाद को बोल्ड कर दिया। वहाब रियाज ने बेहद ही आक्रामक जश्न मनाया, जिसे देखकर अहमद शहजाद का पारा चढ़ गया। वहाब का जश्न देख अहमद शहजाद भड़क गए और उन्होंने गुस्से में विरोधी गेंदबाज को बल्ला दिखा दिया। शहजाद की इस हरकत से वहाब खपा हो गए और उन्होंने इस बल्लेबाज को कुछ कहा। दोनों के बीच गाली गलौज हुई और दोनों आपस में बेहद करीब पहुंच गए, तभी वहाब ने शहजाद को धक्का मार दिया। दोनों खिलाड़ियों को पेशावर के खिलाड़ियों ने अलग किया। इस मैच में क्वेटा ग्लेडिएटर को दमदार जीत मिली, लेकिन मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना भी लगाया गया। शहजाद और वहाब रियाज की मैच फीस काट ली गई। शहजाद की 30 और वहाब रियाज की 40% मैच फीस काट ली गई। साथ ही दोनों को सख्त चेतावनी भी मिली। PCB अधिकारी ने इस घटना को पाकिस्तान की छवि खराब करने वाली घटना करार दिया है। हालांकि मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच कोई भी दूरी नहीं दिखाई दी। वहाब रियाज ने इस घटना पर एक इंटरव्यू में बताया कि शहजाद के साथ उस मैच में लड़ाई के बाद दोनों के बीच कोई भी दूरी नहीं है। दरअसल शहजाद मैच के बाद वहाब के परिवार के साथ बैठे। वहाब के पिता को कैंसर था और शहजाद ने उनके साथ समय बिताया। वहाब ये सब देख शहजाद से नाराजगी नहीं रख पाए। तो दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।